प्लेस है जहाँ पे चंद्रशेखर शहीद हुए थे, पे चंद्रशेखर आजाद जी थे, जो गन था आखिर के वही है यहाँ पे, कहते हैं इसको सगौड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल बी एन एक्सप्लोर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इसी के साथ ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलें। Hey guys, मैं हूं जिशान और आप देख रहे हैं दैनिक एक्सप्लोर इंडिया। और आ चुके हैं हम लोग इस समय प्रयागराज, यानी कि पहले के इलाहाबाद और अभी के प्रयागराज में, जहां पे हम आपको आज दिखाने वाले कि क्या क्या है खास प्रयागराज में, और दिखाएंगे और क्या क्या चीजें यहाँ पे घूमने वाली और किस तरह की यहाँ की हिस्ट्री रही है। तो चलिए भी हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग अपनी यहीं से। सबसे पहले हम लोग जाएंगे कंपनी बाग, जिसे कहते हैं लोग चंद्रशेखर आजाद पार्क। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं हम लोग। गेट के बाहर है जस्ट, और अभी इसके बाद हमने दो टिकट लिए हैं, वो भी 5-5 रुपीज के हैं। इसके साथ हम लोग एंट्री करेंगे गेट के अंदर। दिन देखते हैं, अब जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, और अब हम लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं अंदर कैसा है। तो अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं चंद्रशेखर पार्क में और देखते हैं अंदर और क्या क्या देखने वाली चीज़ है। इतनी दूर से हम लोग आए हैं तो फिर क्या क्या देखने वाली चीज़ें। फिलहाल तो इतना ज़्यादा रश है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ऑडियंस जैसे सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे इन्होंने सेल्फी पॉइंट बना रखा है जहाँ से प्लेन दिखाई देगा इजीली, इसलिए इसको सेल्फी पॉइंट कहा गया है। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा प्ले ग्राउंड जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और फिर वह राइट साइड में पड़ेगा आपका नक्षत्र वाटिका। आप देखते हैं इसके अंदर और क्या किसी। ओके, तुम लोग भी चंद्रशेखर आजाद पार्क के एकदम बीच बीच आ चुके हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू देखने को। अभी बीच में कुछ मुझे दिखाई दे रहा है वो कौन सी जगह है, एंड जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद किए गए, तो वो वाली जगह भी देखेंगे कहाँ पे। तो चलिए मेरे साथ। जैसे जैसे आप पार्क के अंदर जाएंगे वैसे ही वैसे आप कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। अभी मेरे पीछे जो है वो उद्यान चेतना केंद्र यानी कि मेडिटेशन केंद्र है, फिलहाल अभी ये बंद है, और भी देखते पार्क के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है इसका, पुराना जो स्ट्रक्चर होता है सेम वही फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है काफ़ी टाइम का हो गया। उसके बारे में क्या हिस्ट्री है आइए जानते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर, देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। लाइब्रेरी के अंदर जाने से भी मना कर दिया गया क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, शायद लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग और चलते हैं। हम लोग अब वहाँ चलेंगे जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। तब तो निकलेंगे लोग। तो हमारे पीछे जो स्टैचू बना है वही जगह है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद किया गया था। तो चलिए दिखाते हैं वो जगह कौन सी। आइए मेरे पीछे जो जगह है ये वही जगह है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद किया गया था। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टैचू है चंद्रशेखर आज़ाद का, जहाँ पे वो अपने मूँछों को ताव दे रहे हैं, और ये स्मारक है जहाँ पे इतिहास रचा गया था। ओके, दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद 1931 को यहाँ पे शहीद हो गए, यही प्लेस है जहाँ पे चंद्रशेखर शहीद हुए थे। और जैसे कि आप देख सकते हो कि जो इतिहास है वो हिस्ट्री जो है ये यहीं की है। इलाहाबाद के नाम से जाने जाने वाला अब प्रयागराज से जाना जाता है ये शहर। तो
यही वो प्लेस है जब अंग्रेज़ों से वो घिर गए थे। इसी के पीछे जितने भी पार्क हैं आप देख सकते होंगे कि अलग तरह की फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने किस तरीके से जाबाजी से यहाँ पे लड़ाई करी, मुकाबला करा अंग्रेज़ों का, और उसके बाद में वीरगति को प्राप्त हुए। और भावुक पल भी है, जोश भी दिलाता है, और मन में अजीब तरह की फीलिंग्स है, खुशी भी हो रही है, गम भी हो रहा है, प्राउड फील भी होता रहता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे प्रयागराज में। तो ठीक है, चलते हैं और जगह भी देखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं। इस पार्क के अंदर एक म्यूज़ियम भी है, क्या क्या है म्यूज़ियम के अंदर आपको दिखाते हैं, चलिए मेरे साथ। तो हम लोग म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है। कुछ मूर्ति प्रतापगढ़ की है, तीसरी सदी की, और भी अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं। कि आपने देखा कि म्यूज़ियम का जो जैसे ही आप एंट्री करते हैं उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जिन थे उनका जो गन था आखिरी टाइम पे मिली गई थी, ये वही है यहाँ पे, जो कि बहुत ही सही सलामत यहाँ पे रखी गई है। चंद्रशेखर पार्क देखने के बाद मैं सीधा पहुँचा नैनी, जहाँ पे यमुना ब्रिज है। यमुना ब्रिज को बहुत सारे लोग नैनी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं और नया वाला पुल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम यमुना ब्रिज की बात करें तो यूपी में सबसे बड़ा और खूबसूरत कोई ब्रिज है तो वो यही ब्रिज है। पुल देखने के बाद मुझे लगी जोरों से भूख, तो मैं पहुंचा सीधे यहाँ के एक डिश जिसका नाम है सगौड़ा। आइए दिखाते हैं कैसे बनता है सगौड़ा। सगौड़ा में मेनली आपका आलू, मटर, पालक पड़ता है, उसके बाद में ये हल्के से जो नमकीन पापड़ी होती है उसमें मिलाकर इसको दिया जाता है, जो काफ़ी टेस्टी था। भैया क्या कहते हैं इसको? सगौड़ा। सगौड़ा क्या क्या मिलाते हैं इसमें आप, क्या क्या चीज़ें होती हैं? बेसन पालक। बेसन और पालक। तो ये अभी जो है ये सगौड़ा है, भैया जी बना रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको कैसे बनाते हैं। थोड़ा कुछ मोटा मोटा बताएंगे क्या क्या पड़ता है इसके अंदर? गरम मसाला पड़ता है, बेसन पालक पड़ता है, और क्या पड़ता। फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही है, नेक्स्ट व्लॉग में हम यहाँ के फूड को चखेंगे, देखते हैं कैसा है प्रयागराज का फूड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, अगर पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कॉमेंट, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलें।